तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है फ्रेंच पोटैटो शॉर्ट्स की रेसिपी। बहुत ही आसान है ये, सर्दियों में स्पेशली जैसे बच्चे चिप्स खाते हैं, आलू की कोई भी चीज़ खाते हैं, फ़ौरन से भूख लगी हो, या फिर आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत आसान और बहुत ही क्विक बनने वाली ये रेसिपी है। तो इसके लिए ये हमें चाहिए हैं 4 अदद आलू, थोड़ा सा हमें चाहिए होगा नमक, थोड़ी सी मिर्चें और थोड़ा सा चाट मसाला। तो सबसे पहले हम लोग ये आलूओं को पील ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए आलू हम लोगों ने पील ऑफ कर लिए हैं। अब हम लोग इनको ये लंबाई के रुख मोटे इस तरह काटेंगे, इस तरह से। इस तरह से हम लोग काटेंगे और इस तरह ये क्यूब की शक्ल में हम लोग काट लेंगे, इस तरह इस तरह। ये देखें सारे ही ऐसे कट कर लेंगे। बहुत ही आसान और बहुत जल्दी फटाफट से बन जाती है ये रेसिपी। इस तरह सारे काट लेंगे। पोटैटो जो हैं वो कट हो चुके हैं, ये इस तरह, ये देखिए क्यूब फॉर्म में हम लोगों ने काटे हैं। अब हम लोग इनको एक बाउल में ठंडा पानी लेंगे और इसको इसके अंदर डाल देंगे और 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से वॉश करेंगे। इनको अच्छी तरह से धोकर हम लोगों ने पानी इसका ड्रेन कर लिया है और इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए न्यूज़पेपर पे बिछा देंगे ताकि इसका जो मज़ीद पानी है वो ड्राई हो जाए। आप इसको किसी टॉवल से भी ड्राई कर सकते हैं, कपड़े से भी, और न्यूज़पेपर में बिछा कर भी इसको ड्राई कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखिए इसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो चुका है और न्यूज़पेपर ने सारा तकरीबन चूस लिया है। अब हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, इस तरह से। अब ये फ्राई करने के लिए रेडी है और हम लोग अब इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसको इसके अंदर डालेंगे। और इसको मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। इसको आप 3 से 4 दफ़ा अच्छे से धोकर फिर इसको ड्राई करेंगे ताकि इसमें जो स्क्रॉच जो होता है वो ना रह जाए। ये देखिए ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, बस थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको और फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। देखिए बहुत अच्छा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर इसको आ गया है, हम सारे निकाल लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए रेडी है हमारे फ्रेंच पोटैटो शॉर्ट्स। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा नमक छिड़केंगे।
और बिल्कुल थोड़ी सी ही सुरख मिर्च हम लोग छिड़केंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो रेड मिर्चें जो हैं आप सुरख मिर्च पाउडर जो है वो मत डालिएगा। और थोड़ा सा हम लोग चाट मसाला इस पे छिड़केंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के रेडी हैं हमारे फ्रेंच पोटैटो शॉर्ट्स। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।